सोनीपत के सेक्टर 15 के शमशान घाट में लाशों को जलाने के लिए लंबी लंबे कतारें लगी हुई हैं। सोनीपत सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में कोविड 19 पॉजिटिव मरीजों को भर्ती होने के लिए कई कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। सोनीपत के इस महामारी की चिंताजनक तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। एक बुजुर्ग दंपत्ति आइसोलेशन वार्ड में भर्ती होने के लिए सोनीपत सिविल अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती होने के लिए कई कई घंटों का इंतजार करना पड़ा। इसके चलते दंपत्ति पार्क में ही तड़पता रहा। तो वहीं दूसरी तस्वीर सोनीपत के सेक्टर 15 शमशान घाट की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लाशों का अंबार है। जिन कुंडों में दाह संस्कार होते हैं, वहां पर दाह संस्कार के लिए जगह कम पड़ रही है और कच्चे में ही लाशों का दाह संस्कार किया जा रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल में उन्हें परेशानी हो रही है और ठीक से सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। ये दोनों ही तस्वीरें बहुत भयावह हैं और दोनों ही तस्वीरें संदेश भी साफ तौर पर व्यक्त कर रही हैं कि यह समय जो है वो हिम्मत से काम लेने का है, ये समय दृढ़ता के साथ खड़े होने का है और जितने संभव हो सके उतने बचाव करने का है। आइसोलेशन वार्ड में लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, परिजनों से मिलने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाती है। और दूसरी तस्वीर जो सबसे भयावह तस्वीर है, शमशान घाट में लंबी कतारें लगी हुई हैं, दाह संस्कार करने के लिए जगह भी नहीं मिल पा रही है। लोगों को जहां जगह दिख रही है वहीं कच्चे में दाह संस्कार किया जा रहा है। ये सोनीपत सिविल हॉस्पिटल जो कि एक पेशेंट आए हुए हैं, ये करीबन 1.5 से 2 घंटे पहले आए थे और इनकी जो अभी हालत 1.5 से 2 घंटे बाद इतनी बुरी हो चुकी है कि ये ना तो बोल सकते ना हिल सकते। और ये इनकी वाइफ है, इनका रो रो के बुरा हाल है और इनका कोई भी घर से इनका कोई भी मेंबर नहीं आ रखा। और डॉक्टर ने भी एक बार चेक करने के बाद में कोई इनका मतलब नहीं बताया कि इनको क्वारंटाइन करा जाएगा, इनको कोई मेडिसिन या कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं दी गई है। 1.5 से 2 घंटा हो गया पेशेंट को पड़े हुए। हॉस्पिटल आई हूँ, कोई सुनवाई नहीं है, बेकार सेवा है यहाँ। डॉक्टर चिल्ला के पड़ते हैं, सीएमओ से बात करो, सीएमओ बोलता है कि उससे बात करो, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। यहाँ पेशेंट मरण लग रहे, दम तोड़ के कह रहे जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। फोन करवाते हैं सिफारिश से तो फटाफट काम हो जाते हैं यहाँ पे। आप कोरोना पॉजिटिव हो? मेरी गुड़िया है, 8 घंटे हो गए मुझे यहाँ वेट करते करते, लड़ाई झगड़ा, शीशे तोड़ने की धमकी दी है, तब जाके इन्होंने कभी गुड़िया को हाथ लगाया। एडमिट कर लिया? एडमिट तो फिर भी नहीं कर रहे, कह रहे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। और जो बच्चा यहाँ आएगा वो मर के ही जाएगा क्योंकि केयर तो कर नहीं रहे, तो इससे अच्छा अपने बच्चे को घर ही ले जाए, मरेगा कम से कम ये तो है कि संतुष्टि कि हमारा घर पे मरा है। यहाँ तो लापरवाही से तो नहीं मरेगा ना। और 2 दिन से घूम रहे हो? 3 दिन हो गए आज, 3 दिन से 11:30 बजे की धक्के खा रही हूँ और 8 घंटे अब वेट करिए लड़ झगड़ के। जब अभी भी लड़की को पूरा चेकअप नहीं करा इन्होंने। आज सर कम से कम भी 25 से 30 बॉडियाँ आ चुकी हैं, कोविड की ज़्यादा आई है हमारे पास, नॉर्मल बॉडियाँ थोड़ी कम। वेट करना पड़ रहा आज? हाँ जी, आज वेट करना पड़ रहा है यहाँ पे। वेट सर यहाँ वेटिंग ही वेटिंग है, जल्दबाजी में हमारे यहाँ कर्मचारी मेंबर भी खुद करवा रहे हैं काम, आचार्य तो लग ही रहे हैं, पंडित भी है नहीं है तब भी हम लोग मिल के काम करवा रहे हैं। पीछे में कम से कम 6 से 7 लाशें जल रही हैं, जहाँ पे हमें मजबूरी थी कि ये 30 कुंड भरे पड़े हैं, 30 के अलावा भी पीछे 6-7 हैं। तो ये कुछ कल की बॉडियाँ हैं, उनकी भी अब सफाई शुरू कर दी है। हर दिन एक बॉडी के जो फूल हैं वो अगले दिन उठा लिए जाएंगे और थैली भर के रख दिए जाएंगे। कोरोना काल चल रहा है, हमें बहुत मजबूरी हो रही है, मजबूरी के कारण हम लोग थैली में फूलों को बांध के और उनके कुंड के नंबर रख देंगे। सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जब कोरोना काल नहीं था, हाँ जी सर, तब कितने शवर हो जाते थे और अब कितने शवर लगे? तब 5 से 10 मैक्सिमम, तो कई दिन 4-4 दिन खाली भी चले जाते थे, 6-6 दिन कोई लाश नहीं आती थी। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति ये हो रही है कि लाशें वेटिंग कर रही है, लाशें मिल नहीं रही हैं, परिवार बाहर बिलक रहे हैं, उनको सुबह से 10 बजे से बंदा लगा है। अब